Today we will learn about electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे ने इसको दिया था और उसने फैराडे ने जो ये कंसेप्ट दिया था इस कंसेप्ट को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए दिया था। तो जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, एक ये प्लस टू पॉइंट चार्ज है, इस प्लस टू पॉइंट चार्ज के इस पॉइंट पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो टेस्ट चार्ज इस तरफ भागेगा। अगर उसको यहाँ छोड़ देंगे टेस्ट चार्ज को तो इस साइड में ये टेस्ट चार्ज रन होगा। तो ये जो डायरेक्शन है बन गई है, ये डायरेक्शन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इस तरफ से इस पॉइंट पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो इसमें इस प्लस टू चार्ज के चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इन लाइन से हम ड्रॉ कर सकते हैं, बता सकते हैं इन लाइन से। तो इसी तरह से यहाँ पर ये इसको यहाँ हमने तीन अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन बताई थी, यहाँ बताई, यहाँ बताई, यहाँ बताई, यहाँ इलेक्ट्रिक प्लस कोई भी ब्लॉक पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो फील्ड लाइन्स किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं वो ये बता रखी। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक, अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखेंगे तो वो इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर दूर जाएगा। ऐसे अगर यहाँ रखेंगे इस तरफ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरफ जाएगा। तो जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ना वो नेगेटिव के टूवर्ड्स नेगेटिव होगी और पॉजिटिव चार्ज जो उसके लिए जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी या यूं कह सकते हैं कि डाइवर्जिंग होगी। ये डाइवर्ट हो रही है, प्लस से डाइवर्ट हो रही है लाइन और यहाँ पर ये माइनस पर कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट द टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट द पॉइंट। ये हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व होती है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं और वो कर्व यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पर। और इस स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचे तो स्ट्रेट लाइन पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व होती है जो उस कर्व पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो वो ऐसे पॉजिटिव से स्टार्ट हो गए और नेगेटिव के टूवर्ड्स जाती है। तो फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ देखें ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और ये नेगेटिव पर एंड हो रही है। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है उसके फील्ड लाइन यहाँ ऐसे निकल रही है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और हम यहाँ कह रहे हैं कि नेगेटिव पर जाकर एंड होगी तो वो नेगेटिव कहाँ पर है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से ये फील्ड लाइन जा रही है और फील्ड लाइन कहाँ तक जाएगी, नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, हम कह रहे हैं सिंगल पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है ना वो यहाँ से ये चलती हुई जा रही है, नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं कि वो इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव से जा रही है और कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहां पर है, जहां पर वो एंड हो रही है, एंड सेट नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कहां पर है, और नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट है। इसी तरह से एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइन पॉजिटिव से आ रही है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव कहां पर है, पॉजिटिव आपका इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट से आते हुए ये यहाँ पर ये जो है ना नेगेटिव पर आकर एंड होती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखें
In a charge-free region, electric field line can be taken. In a charge-free region, electric field line can be taken to be continuous current. मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस होती है, ये कहीं बीच में ब्रेक नहीं होती है। जैसे कि अगर आपको कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यह आ रही है यहाँ से चलती हुई और यह यहाँ पर चलते चलते ये यहाँ पर आर्मेचर पे यहाँ ब्रेक हो गई और यहाँ पर वापस आगे चल गई, ये कभी ब्रेक नहीं हो सकती। ब्रेक होने का मतलब है कि यहाँ जिस रीजन पर यह ब्रेक हो रही है वहां पर कोई फील्ड है नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फील्ड कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज से जीरो से लेकर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फील्ड होता है, तो फील्ड बीच में कहीं पर ब्रेक नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगी। तीसरी बात हम देखें, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉल एनी क्लोज लूप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कभी भी कोई क्लोज लूप नहीं बनाती है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से चलती हुई जा रही है तो जाते जाते इसे मुड़ के वापस ऐसे नहीं आएगी, ये क्लोज लूप कभी फॉर्म नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेचर होती है वो कंजर्वेटिव नेचर होती है, इसलिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है एक तरह की और होती है, इसको इस रूप में ले सकते हैं कि अगर यहाँ पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना रही है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक ये डायरेक्शन होगी और एक ये डायरेक्शन होगी, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी स्थिति में, पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पर एक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन हो, दो डायरेक्शन में कभी नहीं हो सकता है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करने से पहले हम फ्लक्स ऑफ वाटर फ्लो की बात कर रहे हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक कोई नदी बह रही है और नदी बहती हुई नदी में हम इस तरह से नदी या नाला कोई बह रहा है, उस नदी या नाले में बहती हुई नदी या नाले में एक जो अपनी जो आटा चालने की जो चलनी होती है ना, वो चलनी अगर हम इस तरह से रखते हैं, ऐसी चलनी बनी हुई है, ऐसी रेक्टेंगुलर चलनी है, इस चलनी को उस पानी के अंदर ऐसे रख दें तो मान लेते हैं इस चलनी की जो लेंथ है वो है बी और ये जो हाइट है वो एच है, तो इसका जो एरिया है वो कितना बनेगा, इसकी ये जो चौड़ाई है ब्रिथ है ये है, मान लेते हैं कि क्या माना हमने बी मान और ये हाइट है, हाइट मानी हमने एच, उसमें मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ कि जो चलनी होती है वो चलनी का इस तरह से ये अगर बी है और ये एच है, बी और एच इस तरह से है और इसको हमने इस तरह से पानी के अंदर रख दिया है, तो क्या होगा कि बहती हुई नदी है तो पानी इस साइड से, ये जो साइड है इधर वाली साइड से तो अंदर जाएगा पानी और यहां से बाहर निकलेगा, तो इसके अंदर से कितना पानी फ्लो हो रहा है एक सेकंड में, पर यूनिट टाइम में कितना पानी फ्लो हो रहा है, उस पानी का वॉल्यूम जो है ना वो फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स को अगर हिंदी में अनुवाद करें तो फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह, बहाव, कितना बहाव हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम में कितना बहाव हो रहा है वो हम कह रहे हैं फ्लक्स ऑफ वाटर फ्लो। तो इसको हम जैसे डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस फॉर पर यूनिट टाइम, मतलब जो सरफेस के नॉर्मल, ये सरफेस हमने लिया, इस सरफेस के नॉर्मल मतलब ये जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उस परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में कितना पानी बह रहा है, वो पानी जो पानी का बहाव है वो फ्लक्स कहलाता है। अब हमने हमारी ये चलनी है ना,
इस छलनी पर इस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस छलनी को हमने इस तरह से घुमा दिया, तो क्या होगा कि जो पानी बह रहा है इस छलनी के अंदर से, वो बहने वाले पानी की मात्रा जो है ना, क्वांटिटी है, वो कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर जो है ना, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो मान रहे हैं पानी का जो फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है, और आपका जो नॉर्मल वेक्टर जो हमने किया था इसके ऊपर, ये वाला नॉर्मल वेक्टर, ये वेक्टर थीटा डिग्री एंगल है, आपने झुका दिया है पानी के फ्लो से, तो ये थीटा डिग्री एंगल से झुक गया, और ये जो आपका सरफेस था वो डीएस था, और वी है आपका वेलोसिटी, पानी की वेलोसिटी है वी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो मान लेते हैं थीटा एंगल है। तो इस डीएस का हम कंपोनेंट निकालें, इस डीएस का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वी, डीएस का वी की डायरेक्शन मतलब फ्लो की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें, तो वो आएगा डीएस कोस थीटा। आपने वेक्टर जो इलेवन क्लास में पढ़े हैं उससे अगर डीएस का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वी निकालें तो डीएस कोस थीटा आएगा। तो इस वी की डायरेक्शन में डीएस का कंपोनेंट है डीएस कोस थीटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वाटर फ्लक्स वो होगा एरिया, एरिया हमारा है डीएस, और लेंथ, लेंथ है आपकी वेलोसिटी वी। तो एरिया आपका है डीएस कोस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ वी, और लेंथ, लेंथ है आपकी वी। अब यहां पर हमने जो वॉल्यूम को, वॉल्यूम को ऐसा लिखा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है कि ये जो आपका सरफेस है ये कितना, ये सरफेस है ये रेक्टेंगल है, और यहां से एक सेकंड में पानी कितना आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो पानी यहां से निकला और एक सेकंड बाद यहां पहुंच गया, तो एक सेकंड पहले पानी यहां से घुसा था, एक सेकंड बाद यहां निकला, तो एक तरह से इस तरह से पूरा एक डिब्बा जैसा बन जाएगा, आपका जो क्यूबॉइड है वो बन जाएगा, उस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम होगा इसका। तो वो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, ये तो एरिया हो गया, और एरिया इंटू लेंथ आपका ये इसका जो वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया है आपका, क्योंकि आपने इसको झुका दिया इसलिए एरिया हो जाएगा आपका डीएस कोस थीटा इंटू वेलोसिटी है वी, मतलब लेंथ वेलोसिटी वी पर यूनिट टाइम का आप निकालते हैं, तो डीएस कोस थीटा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वी डीएस कोस थीटा। तो जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स फाई इक्वल टू वी डॉट डीएस, वी डॉट डीएस आपने इलेवन क्लास में पढ़ा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, ये आपने इलेवन क्लास में पढ़ा है। तो वी एस कॉस थीटा, वी डी एस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, वी डॉट डी एस लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो फ्लक्स है वो फ्लक्स फाई एक स्केलर प्रोडक्ट है, इसके बीच का वेलोसिटी और सरफेस का, वेलोसिटी वेक्टर और जो सरफेस वेक्टर है इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट है। तो इस तरह से फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी, फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जो हमारा जो वाटर फ्लक्स है उस वाटर फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एनालॉजी से समझ सकते हैं कि अब हमने जो पहले बात की थी पानी बह रहा है, पानी बहने की जगह पर हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ऐसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की में अगर हम एक डीएस स्मॉल कोई सरफेस स्मॉल सरफेस डेल्टा एस है, इस डेल्टा एस को हम इस तरह से रख देते हैं, जैसे कि हमने पहले वहाँ उसमें देखा था कि कोई आपका जो है
सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने सरफेस को ऐसे रख दिया। तो अभी तो देखे इस तरह पर कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के और जो नॉर्मल वेक्टर इसका बनेगा दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे झुका देते हैं, इस तरह मतलब थीटा एंगल से झुका देते हैं, तो जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा, इस नॉर्मल वेक्टर का जो एंगल है वो ई के साथ में थीटा बनेगा। सेम इसी तरह से जैसे वी की डायरेक्शन है और डीएस की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बनता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। जैसे यहाँ फाई इक्वल टू वी डॉट डेल्टा एस है, इसी तरह से यहाँ फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस है। इसका मतलब यह है कि ई डेल्टा एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड सरफेस वेक्टर डेल्टा एस। स्केलर प्रोडक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं, और यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द कंपोनेंट ऑफ सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ ई विच इज डेल्टा एस कॉस थीटा। मींस ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइव। अब हम आते हैं कि यूनिट क्या होगी इसकी, व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट को हम निकाल सकते हैं ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या होती है कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ई की जगह हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। और डेल्टा एस, डेल्टा एस सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा, कॉस थीटा की यूनिट क्या होती है, कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, कॉस थीटा इज ए रेशियो, और रेशियो है मीटर अपॉन मीटर, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट नहीं लिखेंगे। तो आ जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या न्यूटन कूलम इनवर्स इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है। थैंक यू, आज की क्लास में।